हेलो गाइस, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रोहित दुर्वे RC 200 पर। और आज है विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर। तो हमारे बगडोना एरिया में जो वर्कशॉप है WCL के अंतर्गत जो आता है वहाँ पे मेला लगता है पर ईयर, बाकी पिछले 2 सालों से अभी लगा नहीं है। और मैं आज आपको उसी मेले में लेकर चलने वाला हूँ। तो चलो गाइस, चलते हैं मेले में। और आज हमारे साथ है गाइस, हम लोग आ गए हैं बगडोना चौक पे। और यहाँ पे मतलब आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ लग रही है, बहुत ज़्यादा क्राउड है गाइस। और पुलिस ने बहुत अच्छा मतलब व्यवस्था करी है, सही दिमाग लगाया है, एक साइड की रोड बंद कर दी है और एक साइड से बस आना जाना चालू है, बाकी एक साइड से पूरे पैदल वाले जा रहे हैं। यहाँ से कम 500 मीटर दूर है अपना मतलब वर्कशॉप। अब चलते हैं मेले की ओर। और पूरे मतलब बगडोना चौक पे एकदम अलग ही माहौल है आज का। बैरिकेड्स लगे हुए हैं, पूरे गाड़ी वालों को रोका जा रहा है, बाकी अब खोल दिया गया है क्योंकि शायद मेला एंडिंग में है। और गाइस, ये हमारा मोदी आ रहा है आइसक्रीम खाते हुए और ये देख भी नहीं रहा है। लोग ये आ गए हैं दीपिका लॉन्च के पास और यहाँ कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। यहाँ से मतलब भीड़ चालू ही हो जाएगी कि हम लोग अब पास में ही पहुँच चुके हैं मेले के वर्कशॉप के पास। और बाबा, अपन को ड्रीम अपना ड्रीम है कि अपन कभी फ्यूचर में ऐसी शॉप खोले। अब देखते हैं कभी खुलती है कि नहीं। हाँ, ऐसी शॉप में कभी लॉस नहीं है। और ये भीड़ बढ़ गई है। और गाइस, हम लोग पहुंच गए वर्कशॉप और ये भीड़ देख रहे हो आप। ये हमारे एरिया के छपरी लोग कैसे हो रहे हैं, देखो इनको। भीड़ कुछ ज़्यादा ही हो रही है और मतलब शॉप से स्टार्ट हो चुकी है यहाँ से। और ये विश्वकर्मा जयंती पूरा बच्चों का मेला रहता है अधिकतर तो। और ये कोई ना कोई आपको मतलब यहाँ पे सर पे सींग लगाए हुए, लाइट जलते हुए जलेगा उनके सर पे। फिर ये राजा बोल रहा है कि मेरे लिए भी लेना है। और भीड़ देख ही रहे होंगे आप कितनी ज़्यादा है। जैसे जैसे हम मतलब हम वो वर्कशॉप के अंदर जाएंगे भीड़ बढ़ता ही जाएगी। और पूरा मतलब बच्चे लोग अपने मम्मी पापा को परेशान कर रहे हैं। और ये डग्गा खड़ी है पुलिस की। और गाइस, ये हम अब एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है कि आप CCTV कैमरे की नज़र में हैं। गाइस, ये हमारी एंट्री हो गई है और अलग ही भीड़ लग रही है यहाँ पे। अरे भाई, बढ़िया। भीड़ अलग ही लग रही है। वाह वाह, ये 2 साल बाद आ रहे हैं हम ये मेले पे, क्योंकि अभी लॉकडाउन के कारण ये 2 साल से लगा नहीं था। भीड़ देख के मज़ा आ रहा है बहुत दिनों बाद। और गाइस, ये जो हमारे साथ जो जो लोग आए थे वो घूम चुके हैं अभी, ये आ रहे हैं पीछे से। और ये शिवम, बस एक्सरसाइज बता दो इनको कबड्डी की। हाँ, ये आ गए, मिल गए, अब चलते हैं। और गाइस, ये अपने बगडोना के मतलब डॉन लोग मिल चुके हैं हमको। ये विकास भाई, ये बंटी भैया। और ये हमारे भाई लोग, ये राहुल भाई, ये हमको मिल रहे हैं अभी अकेले अकेले घूम के आ गए। ये प्रवीण भाई, ये भैया हमारे राहुल भैया। और ये हेलो गाइस कर रहे हैं बस। ये मैं हूँ और मेरे दोस्त। अब वो लोग जा चुके हैं, अब हम भी चलते हैं। शायद
लॉकडाउन के बाद ये पहली बार मतलब इवेंट हुआ है, तो इस बार ज़्यादा डेकोरेटिंग और मतलब मॉडल वॉडल नहीं बनाए यहाँ के मतलब वर्कर्स लोगों ने। तो गाइस यहाँ पे बस विश्वकर्मा जी की मूर्ति है और उस पर पूजा करके बस जाना है शायद हमको। यहाँ सिर्फ विश्वकर्मा जी की मूर्ति लगी हुई है जिसके दर्शन हमको कर कर जाना है, बस और कुछ नहीं है गाइस यहाँ पे शायद इस बार। हम लोग जैसे जैसे विश्वकर्मा जी के पास जा रहे दर्शन करने, वैसे वैसे भीड़ ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है हमको। अभी हम विश्वकर्मा जी के दर्शन कर लिए हैं, अब चलते हैं आगे की ओर। गाइस यहाँ प्रसाद मिल रहा है और हमने प्रसाद ले लिया है। गाइस गाइस शायद एक मॉडल तैयार किया गया है यहाँ पे, इस बार एक ही मॉडल तैयार किया गया है क्योंकि शायद टाइम नहीं रहा होगा या कोई और कारण रहा होगा। और गाइस वर्कशॉप के स्टाफ द्वारा बहुत अच्छा मतलब मॉडल बनाया गया है और शायद वर्कशॉप में स्टाफ कम होने के कारण एक ही मॉडल तैयार किया गया है, बाकी बहुत सुंदर बनाया है। और हमारी एरिया की डब्ल्यू सेल इतनी अच्छी है कि मतलब यहाँ की एंट्री एकदम फ्री है, बाकी अगर कहीं और ऐसा इवेंट होता तो वहाँ पे ज़रूर आपको एंट्री फीस देनी होती। और गाइस हम अपने वो जो मॉडल बनाया था वो देख लिया है, बहुत अच्छा मॉडल बनाया है। बाकी यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन के अलग अलग मॉडल बनाए जाते हैं, बाकी इस बार शायद टाइम नहीं था होगा या फर्स्ट बार फिर से स्टार्ट हुआ है 2 साल बाद तो लॉकडाउन के चक्कर में, तो शायद इसीलिए नहीं बनाया। अब अगले बार से मिलेगा शायद। तो अब हम वापस निकल रहे हैं, हो गए हमारे दर्शन वर्शन विश्वकर्मा जी के। और गाइस हम लोग ये बाहर आ गए हैं वर्कशॉप से, अब हम मतलब थोड़ा लॉन्ग जाने वाले हैं। यहाँ से हम लोग मतलब राइट साइड से आए थे, बाकी हम लोग अब लेफ्ट जाने वाले हैं क्योंकि मार्केट भी घूमना है हमको और कुछ खाने की चीज़ भी देखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग बहुत चटोरे लोग हैं। हाँ लेकिन पैसे कोई नहीं देने के लिए होगा, इतना तो पता है। और देखो भीड़ देखो भीड़ भीड़, ये पूरा मतलब अब हो गया मतलब पूरे फैमिली वाले घर जाने लगे होंगे और ये पूरे अपने एज के लोग आ रहे हैं क्या। यहाँ बावा बावा करके बात होगी और सब अपने अपने डेयरिंग दिखाएंगे अब, और पुलिस देगी भी अब, क्यों पुलिस भयंकर दौड़ेगी फिर कल ना कल तो सुनाई आएगा ही किस किस को पड़ी। गाइस ये पूरे छपरी लोग है यहाँ पे पुंगी बजा रहे पोंपो पोंपो। और गाइस ये विश्वकर्मा जयंती के दिन लाइटिंग वाले आइटम्स बहुत ज़्यादा मतलब मार्केट में दिखते हैं और बच्चे लोग इससे बहुत अट्रैक्ट होते हैं और मम्मी पापा को परेशान करते हैं। कोई इसको सीने लगा रहा, कोई फेंक रहा है और चुंगे चांगी। और गाइस ये मेरे को मेरा कज़न मिला है अंकित भाई जाजगोड़ी से। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, थैंक यू भाई। ठीक है भाई ना, और गाइस ये मेरे साथ वाले फिर भाग गए पता नहीं किधर, अकेले अकेले अपन तो ब्लॉग बनाने में ही लगे हैं और उनको एंजॉय करना है। वैसे तो मैं आ नहीं रहा था, बाकी ब्लॉग बनाना था आपके लिए इसीलिए आया हूँ। आ जा भैया चाट वाट चाट खिला रहे, राजा भैया चाट खिला रहे। वानी वानी वाने 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 उस साइड
बहुत अच्छी शॉप है वो। और गाइज ये लाल सांड खड़े हुए है सामने, लाल सिंह वाले। जाना नहीं उधर, जाना नहीं, जाना नहीं, जाना नहीं। लाल सिंह वाले सांड खा रहे हैं सामने। और ये सुनील भाई हमको अभी अभी मिले, पता नहीं किसके साथ आए थे, कोई लड़की वड़की के साथ आए थे शायद। आदर्श बड़े दिनों बाद आए थे। अच्छा, आदर्श के साथ। और गाइस ये लाइट गोल हो चुकी है और मतलब लड़के लोग पूरे फुल मस्ती में आ चुके हैं। और ये हम हमारे भैया के पास आ गए, अब देखते हैं हमारी किस्मत में है कि नहीं चाट। गाइस भैया ने हमारे लिए भेल निकाल दिया है, चाट तो पूरा ख़त्म हो गया है। और भैया ने हमको मतलब एडजस्ट करके तीन प्लेट तो दे ही दिया है। और अपने दो तीन बंदे पता नहीं किधर गए। और लाइट गाइस भैया ने हमको मतलब चार प्लेट भेल दे दिया है क्योंकि चाट ख़त्म हो गया था। और हम लोग कितने लोग हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लोग हैं। 8 लोगों में मतलब 4 प्लेट शेयर करना है, तो अब हम खा लेते हैं भेल, नहीं तो ये रवि भाई ख़त्म कर देंगे। और गाइस हमने फाइनली चाट खा लिया है। और ये हमारे हरी भाई मिले हमको, कैसे हो भाई? अरे यार ख़त्म हो गया, नहीं तो क्या बात थी, क्या चाट खत्म हो गया, पैसे खत्म हो गए। चाट चाट ठीक है ना, मिलते हैं फिर। और गाइस अब हम लोग चलते हैं घर की ओर, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा मिर्ची लग रही है मुंह में, पानी भी ख़त्म हो गया था उनके पास, भैया के पास, तो अब देखते हैं कुछ मीठा मिल जाए अगर रास्ते में तो। और बाबा धीरे धीरे ये मेले का माहौल ठंडा हो रहा है, सब लोग घर के लिए निकल रहे हैं। स्टार और बाबा ये मतलब बगडोना के नगर पालिका वाले को धन्यवाद कि ऐसी लाइटिंग की व्यवस्था करवाई आपने। और गाइस मतलब आज इतने फ्रेंड्स मिल गए क्योंकि बगडोना में था मेला, तो इधर आइट साइड के जितने भी गांव आते हैं अपने आइट साइड में, सब जगह से मतलब अपनी फ्रेंड फॉलोइंग अच्छी खासी है, अच्छी तो नहीं बोल सकते, ठीक ठाक ही है। तो जितने फ्रेंड्स मिले थे वो सबसे मिला, अब एक एक करके आपको दिखा तो नहीं सकता था, बाकी बहुत सारे फ्रेंड्स से मिले अपन। और अब अपन चल रहे हैं घर की ओर। और गाइस ये फिर से हम लोग मतलब इधर ही अटक गए और हमारे साथ वाले पीछे पता नहीं किधर छुप गए। लड़कियों का चक्कर बाबू भैया, लड़कियों का चक्कर है, पता नहीं अब किधर गए, उनको देखना पड़ेगा। सामने गए क्या? वो आते हैं। और गाइस हम लोग फाइनली घर आ चुके हैं, हमने बहुत इंजॉय करा आज। और कैसी लगी आपको ये वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल में सेट कर दीजिए जिससे मेरी हर वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले दिखाई दे। और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए गाइस। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो या ब्लॉग पे।